पूरे तरीके से खिलबिला जाते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है उन लोगों का। लेकिन जिस तरीके से जो मंत्री जो आप बता रहे हैं, जो बोल, हाँ, सम्राट चौधरी जिस तरीके से बोलने का काम किए हैं, वो तो हमने भी सुनने का काम किया है कि आप अपना काम कीजिए, तो इस, हाँ, व्याकुल नहीं हुई, अपना काम कीजिए, इस तरीके का शब्द स्पीकर के प्रति नहीं बोलना चाहिए। और ये साबित हो गया है पूरे बिहार में और पूरे देश में कि किस तरीके से जो सत्ताधारी जो हैं, जो सुख और अपना जो पॉकेट और जेब में जो पूरा जो बिहार का जो खजाना है जो रखने का काम कर रहे हैं, पूरे तरीके से घबराई हुई है सरकार। और इनसे जी ने भी जिस प्रकार से बयान दिया था गांधी मैदान में फरियाने के बाद, सारे मंत्री के तो वही हाल है। अरे ये सब जितने भी जो लोग हैं, राम सूरत की बात किया जाए, ये लोग सब गुंडे हैं, ये सब गुंडे हैं। और पूरे छात्र के लोग, पूरे बिहार के लोग, महान जनता, ये लोग तमाम तरीके से देखने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी चला रहे हैं लोग। लेकिन गुंडागर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आप हाउस में आकर के मुंह पे बकबक कर सकते हैं, जनता के बीच में जाएगा तो जनता आपको सबक सिखाने का काम कर रही है। सर, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है बिहार में अपराध। नीतीश कुमार जी चुप है, नीतीश कुमार जी को कंट्रोल करना चाहिए। एक आंकड़ा ये भी है, लालू यादव सरकार से ज्यादा दुगुना रफ्तार से सरकार अपराध बढ़ रहा है। कुमार के राज में पूरे तरीके से बलात्कार हो रहा है, गुंडा राज हो रहा है पूरे तरीके से। कहाँ निकल गए? नहीं, यहीं पे है, यही है बैठे। तेज प्रताप यादव जी, इनका साफ साफ कहना था जो नीतीश कुमार की सरकार में लगातार अपराध की घटना जो है वो बढ़ रही है। आज आरजेडी कार्यालय में जेपी आंदोलन के 47वां वर्षगांठ मनाया गया। आज से 47 साल पहले यानी कि 18 मार्च 1974 को लालू यादव के नेतृत्व में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचारी और ख़राब शिक्षा नीतियों को लेकर। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रतीश कुमार सिंह है, आप जनता के सामने देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।